राजकुमार राव ने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2010 ईस्वी में आई मूवी लव और धोखा से किया था। इस मूवी में राजकुमार राव, नुसरत भारूचा, अंशुमन झा, नेहा चौहान, आर्य बनर्जी थे। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2011 ईस्वी में राजकुमार राव की दूसरी मूवी रागिनी MMS रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, एनाज मोतीवाला, मंगला अहिरे, विनोद रावत, रजत कौल थे। इस फिल्म का बजट 1 करोड़ 50 लाख रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसी साल राजकुमार राव की तीसरी मूवी शैतान रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, कृति कुल्हारी, शिव पंडित, राजीव खंडेवाल थे। इस फिल्म का बजट 11 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 41 करोड़ 72 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2012 ईस्वी में राजकुमार राव की चौथी मूवी गैंग्स ऑफ वासिमपुर 2 रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी थे। इस फिल्म का बजट 9 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 33 करोड़ 86 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसी साल राजकुमार राव की पांचवी मूवी तलाश रिलीज हुआ। इस मूवी में आमिर खान, राजकुमार राव, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसी साल राजकुमार राव की छठी मूवी शहीद रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, दिग्मांशु धूलिया, प्रभलीन संधू, के मैनन थे। इस फिल्म का बजट 65 लाख रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 62 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2013 ईस्वी में राजकुमार राव की सातवीं मूवी कायपोछे रिलीज हुआ। इस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव, अमृता पुरी, मानव कौल थे। इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 84 करोड़ 71 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसी साल राजकुमार राव की आठवीं मूवी बॉयज तो बॉयज है रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, गुलशन ग्रोवर, अंशुमन झा, ध्रुव गणेश थे। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 22 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसी साल राजकुमार राव की नौवीं मूवी क्वीन रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, कंगना रनौत, लिसा हेडन, सबिका इमाम थे। इस फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 95 करोड़ 98 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सन 2014 ईस्वी में राजकुमार राव की दसवीं मूवी सिटी लाइट्स रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, पत्र लेखा, मानव कौल, खुशबू उपाध्याय थे। इस फिल्म का बजट 8 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2015 ईस्वी में राजकुमार राव की 11वीं मूवी डोली की डोली रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, सोनम कपूर, पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, अर्चना पूरन सिंह थे। इस फिल्म का बजट 21 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इस साल राजकुमार राव की अगली मूवी हमारी अधूरी कहानी रिलीज हुआ। इस मूवी में इमरान हाशमी, विद्या बालन, राजकुमार राव, मधुरिमा तुली, सारा खान थे। इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 52 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2015 ईस्वी में राजकुमार राव की अगली मूवी अलीगढ़ रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, बालाजी गौरी, आशीष विद्यार्थी, सुमित गुलाटी थे। इस फिल्म का बजट 11 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। सन 2016 ईस्वी में राजकुमार राव की अगली मूवी ट्रैप्ड रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, गीतांजलि थापा, हार्दिक मेहता, खुशबू उपाध्याय थे।
इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। सन 2017 ईस्वी में राजकुमार राव की अगली मूवी बहन होगी तेरी रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, श्रीति हसन, गौतम गुलाटी, दर्शन जरीवाला, गुलशन ग्रोवर थे। इस फिल्म का बजट 13 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 86 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसी साल राजकुमार राव की अगली मूवी बरेली की बर्फी रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, कृति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल थे। इस फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 57 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसी साल राजकुमार राव की अगली मूवी न्यूटन रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अंजलि पाटिल, संजय मिश्रा थे। इस फिल्म का बजट 9 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 82 करोड़ 17 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सन 2017 ईस्वी में राजकुमार राव की 18वीं मूवी ओमेरता रिलीज हुआ। इस मूवी में राजकुमार राव, राजेश तेलंग, केवल अरोरा, सतवंत कौर, रुपिंदर नागरा थे। इस फिल्म का बजट 18 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। राजकुमार राव की आगे की मूवी लिस्ट दूसरे वीडियो में बताएंगे।